हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस डिस्कशन में जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। आज है 27 जुलाई 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के आर्टिकल्स। तो आइए सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कैसे कौन से आर्टिकल्स आज हिंदू में हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो कॉर्नर में आप आर्टिकल देख रहे हैं ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 से रिलेटेड है और हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। यहाँ नीचे जो आर्टिकल है ये पोलैंड से रिलेटेड है, वहां पर किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर हमला किया जा रहा है या फिर उनकी स्ट्रक्चरिंग को खराब करने की कोशिश की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हमारे लिए नहीं है लेकिन कुछ एक बातें जो इंपॉर्टेंट है उसे हम इस आर्टिकल में जरूर देखेंगे। ये आर्टिकल अगेन प्राइवेसी इशू से रिलेटेड है, कल हमने इस पर एक आर्टिकल डिस्कस किया भी था। आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें फिर से देखेंगे। ये आर्टिकल इन्नौर क्रीक से रिलेटेड है और हमें इसे भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट पेज पर दो आर्टिकल्स दिए गए हैं और ये दो के दोनों ही आर्टिकल इंडो श्रीलंका अकॉर्ड इन जुलाई 1987 में जो साइन किए गए थे उससे रिलेटेड हैं। अभी इनके 30 साल पूरे हो गए हैं, 29 जुलाई को ये अकॉर्ड साइन किया गया था, आज 27 जुलाई है, मतलब दो दिन बाद 3 decades विल बी कंप्लीटेड। तो हम इस आर्टिकल को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ऐसे के लिए हम हर दिन एक इंपॉर्टेंट लाइन या फिर कोटेशन देखते हैं वो आज क्या है। आज अगर कोई भी ऐसे आपको पोल्यूशन से रिलेटेड मिलता है तो ये लाइन निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकती है। Water and air, the two essential fluids on which all life depends, have become global garbage cans. आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऐसे को शुरू करने के लिए या फिर आप इसका इस्तेमाल ऐसे के बीच में भी कर सकते हैं। मैं लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको इसको याद भी रखना है। Water and air, the two essential fluids on which all life depends, have become global garbage can. ठीक है, आप इसे याद रखने की कोशिश करिए। फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की जो डेफिनेशन है उसमें चिल्ड्रन की, उसको एनहेंस करने से मना किया। इस टॉपिक को हम पेपर 2 से एसोसिएट कर सकते हैं, बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस, ये जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है उससे। अब देखिए इसमें मुद्दा क्या है, मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस गया था। उस केस में हुआ यह था कि 38 ईयर्स ओल्ड एक वुमेन थी जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित थी। ये एक तरीके की मानसिक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति अपनी उम्र से कम उम्र की तरह हरकतें करता है या उसका दिमाग बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। ये एक ऑफेंस का शिकार होती है और इनके साथ रेप होता है। ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है जिसमें इनकी मां एक PIL दाखिल करती है। उसमें वो रिक्वेस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत डील किया जाए। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत डील किए जाने की जो उनकी मांग थी वो इसलिए थी क्योंकि जब भी किसी केस को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत डील किया जाता है तो ये एक्ट बहुत ही ज्यादा चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स अपने साथ रखता है। और इनका ये मानना था, वैसे तो देखिए जो पॉक्सो एक्ट है वो बच्चों के लिए होता है जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, अगर ऐसे बच्चों के साथ कोई ऑफेंस होता है तो उसे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत डील किया जाता है और ऐसे ऑफेंडर्स को बहुत सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ती है, बहुत ही सख्त सजा दी जाती है ऐसे लोगों को जो ऐसे ऑफेंसेस में इंडल्ज होते हैं। इनकी मां का ये कहना था कि हालांकि इनकी बेटी की उम्र 38 ईयर्स है लेकिन चूंकि वो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हैं तो उनकी जो मानसिक उम्र है वो महज 6 साल की है, इस वजह से इस केस को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत डील किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड मैंने आपको दिया। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पॉक्सो एक्ट 2012 है क्या। देखिए, हमने यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन साइन किया था 1992 में जिसके तहत हमने इस बात से एश्योर किया था पूरी दुनिया को कि हमारे देश में बच्चों के खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं होंगे और अगर होंगे तो हम उनके खिलाफ बहुत ही सख्ती से निपटेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 40% ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे है। ठीक है, इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन चिल्ड्रन की है उनको चाइल्ड अब्यूज या क्राइम से बचाने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत थी और इसी आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आती है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसके जो प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि इसमें जो चाइल्ड अब्यूज क्राइम्स हैं उनको बहुत ही प्रिसाइसली डिफाइन किया गया है, बहुत ही कठोर सजा का प्रावधान है ऐसे केसेस में, मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, अगर ऐसा कोई भी केस सामने आता है तो उसको निश्चित तौर पर लिया जाना चाहिए, अगर पुलिस वाले ऐसे केसेस को लेने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत ही माइल्ड तरीके से बात की जाती है बच्चों से ऐसे केसेस में,
और जो ऑफेंडर होता है उसके ऊपर पूरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये प्रूव करे कि वो गिल्टी नहीं है अंडर सेक्शन 45। इस बात को इंश्योर करता है कि चाइल्ड के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी कानून फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति जो बच्चों से बात करता है, या हम बात कर रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज के जो क्राइम्स हैं उनको इंटरप्रेट करता है, तो उसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन और उनका एक्सपीरियंस डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। साथ ही उन बच्चों के केयर और प्रोटेक्शन के भी अरेंजमेंट की बात इस एक्ट में की गई है। इसके साथ ही साथ स्पेशल कोर्ट भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे जो कि कंपेंसेशन भी इम्पोज कर सकते हैं ऐसे ऑफेंडर्स के ऊपर। तो ये एक्ट के कुछ मुख्य प्रावधान थे जिनके बारे में मैंने यहां पर आपसे बात की। आइए देखते हैं आर्टिकल में और क्या दिया गया है। आर्टिकल में यही दिया गया है कि जो मेंटली रिटार्डेड एडल्ट्स होते हैं जिनकी मानसिक स्थिति बच्चों की तरह होती है, उनके अंदर सेम फीलिंग होती है, वो बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी सिचुएशन को समझने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं जैसे एक बच्चा होता है। साथ ही वो बिल्कुल उसी तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर पाते जो उनके खिलाफ ऑफेंस हो रहे होते हैं जैसे कि एक बच्चा नहीं कर पाता। ठीक है, वैसे तो आर्टिकल का कहना है कि अगर इस केस को जिसमें मेंटली रिटार्डेड एडल्ट्स जिनकी मानसिक उम्र बच्चों की तरह है, अगर उनको पॉक्सो फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाया जाता तो शायद बेहतर होता। लेकिन इनका यह कहना है कि जो एडल्ट की मेंटल एज होती है और या उनकी मेंटल कॉम्पिटेंस होती है वो पर्सन टू पर्सन एंड सिकनेस टू सिकनेस वेरी करती है, इसलिए इसको डिफाइन करना काफी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि वो इस पर अपना वर्डिक्ट नहीं देंगे बल्कि ये पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पार्लियामेंट की, कि वो इसके लिए स्टैच्यूटरी प्रोविजंस लेकर आए और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, इसके साथ ही साथ केस जो मैंने आपको बता ही दिया है, वे फॉरवर्ड में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा अगर कोर्ट के इस कदम की वजह से ऐसे ऑफेंडर्स बच जाएं जो ऐसे केसेस में इंडल्ज हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जरूरी है कि लेजिस्लेचर बहुत ही सख्त कानून के साथ, बहुत ही लीगल फ्रेमवर्क के साथ सामने आए जिससे कि मेंटल कॉम्पिटेंस को डिटरमाइन किया जा सके और ऐसे लोग जो ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस में इंडल्ज हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके सख्त सजा दी जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आइए पोलैंड का बात करते हैं। यहाँ पर पोलैंड के बारे में जो एक आर्टिकल है, सबसे पहले तो हम पोलैंड की लोकेशन देख लेते हैं। ये पोलैंड है जो कि यूरोप में स्टैब्लिश है, सिचुएटेड है, यहाँ जर्मनी को आप देख सकते हैं, ये फ्रांस है, स्पेन, पुर्तगाल, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड और इटली, ये कुछ लोकेशन हमने देखी। ये यूक्रेन है, यहाँ पर रशिया है। ठीक है, तो देखिए केस है क्या। इसमें हम देखते हैं कि पोलैंड में जो अभी राइट विंग की गवर्नमेंट है वो लगातार जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके राइट्स को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं जब से ये 2015 में अपने ऑफिस में आए हैं। वो लगातार जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वहां पर जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो लगातार इन केसेस पर वीटो कर रहे हैं। देखिए वहां पर प्रेसिडेंट को राइट है कि अगर कोई लेजिस्लेचर ऐसा कानून पास करती है जो कि पब्लिक गुड में नहीं है तो फिर वो उस कानून पर वीटो करके उसे नल एंड वाइट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी ऐसे दो कानूनों पर वहां के जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रेज ड्यूडा, उन्होंने वीटो किया। पहला जो कानून था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं उनकी उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट ऐसा सोचते हैं कि वो अपने पद पर अब नहीं रह सकते तो इस कानून को प्रेसिडेंट ने नल एंड वाइट किया, इस पर उन्होंने अपना वीटो किया। दूसरा कानून जिस पर उन्होंने वीटो किया वो ये था कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट की सोल अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट्री कंट्रोल में आ जाएगी, इस पर भी उन्होंने वीटो किया। लेकिन साथ ही एक कानून पर उन्होंने अपनी एसेंट भी दे दी है जो कि काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो ये है कि जो लोकल जस्टिस मिनिस्टर्स हैं, जो जस्टिस मिनिस्टर हैं वहां के, वो लोअर कोर्ट जो हैं उनके हेड्स को हटा सकते हैं या फिर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर जो ये आर्ग्यूमेंट दे रही है वहां की गवर्नमेंट वो ये कह रही है कि अभी भी जो पोलैंड का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो सोवियत एरा के सेंटीमेंट को अपने साथ लिए हुए है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, जब सोवियत यूनियन इमर्जेंस में था, अभी जो आज हम रशिया देख रहे हैं ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया,
इसमें पोलैंड भी इसका एक हिस्सा हुआ करता था, तो काफी सारे जो इंस्टीट्यूशन है उनका स्ट्रक्चर वही है। तो ये आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, इन कानूनों के खिलाफ वहां पर काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। यूरोपियन कमीशन ने यह भी कहा है कि वो इस कानून के खिलाफ अगर ऐसे कर किए जाते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के राइट को, तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी सी बातें मैंने की, बहुत ज्यादा नहीं की क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत कंपैरिजन आप करना चाहे तो इंडिया के पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस के साथ कर सकते हैं, साथ ही अगर जरूरत पड़े तो एग्जांपल के तरह तरीके से इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो प्राइवेसी इशू से रिलेटेड है। पेपर टू से इसको एसोसिएट करेंगे, सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसपेरेंसी। कंटेक्स्ट यही है कि 9 जजेस की जो बेंच है वो बैठी हुई है प्राइवेसी इशूज पर बात करने के लिए कि क्या प्राइवेसी इशू फंडामेंटल राइट है या फिर नहीं है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले जो ऑब्जर्वेशन दिया और प्राइवेसी इशू को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था, वो काफी वेलकमिंग स्टेप था, बहुत ही हार्डनिंग था, मतलब खुश करने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम जो अभी है वो इस बात पर है कि जो प्राइवेसी है इसको बहुत अलग तरीके से समझा जाता है। बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारा प्राइवेसी को समझने का, या फिर प्राइवेट क्या है इस बात को समझने का। अभी जो कंटेम्प्रेरी डिस्कशन प्राइवेसी इशू पर चल रहा है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अभी आधार का मुद्दा हमारे सामने आया जिसमें सारा बायोमेट्रिक डाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, या फिर बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन पर जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका डाटा उनके पास होता है, वो उसका बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। तो अभी जो हाल में बात चल रही है प्राइवेसी इशू की वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि प्राइवेसी को हमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर देखना चाहिए। प्राइवेसी देखिए अदर फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है, प्राइवेसी बहुत ही ब्रॉड एरिया को कवर करता है। अगर हम पूरे एरिया को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करते हैं तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी कई बार थ्रेट में आ जाती है। तो हम बहुत ही सोलली या बहुत एब्सोल्यूट तरीके से प्राइवेसी के इशू को डील नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो प्राइवेसी का नोशन है वो लगातार चेंज हो रहा है, और अभी जो वर्तमान में हमें ये बदलाव प्राइवेसी के थिंकिंग में देखने को मिल रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो इमर्ज हो रही है वो बहुत ही अलग तरीके से जो लोगों की प्राइवेसी है उसको कर्व कर रही है। प्राइवेसी को हम अलग तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि सिक्रेसी या फिर एनोनिमिटी। आप कई बार चाहते हैं कि जो आपकी बात है वो और लोग ना जाने। सभी लोगों की ऐसी बातें होती हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी प्राइवेट बातें हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। आपका बहुत सारा मोबाइल डेटा ऐसा है, आप किसको कॉल करते हैं, किसको मैसेजेस करते हैं, आप कौन सी चीजें कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद करते हैं, आप इन सब चीजों का डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहेंगे। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर जो आपका मोबाइल नंबर होता है वो आपकी ईमेल के साथ अटैच होता है, तो ये जो डेटा होता है ये कई तरीके से कई साइट्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल हो जाता है, और वो चाहें तो इसको पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताई। तो जो नोशन ऑफ प्राइवेसी है वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का जो पर्सपेक्टिव है वो लगातार बदल रहा है। अब देखिए एक बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अभी हम देख रहे थे कि जब कभी भी हम गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं या फिर हम वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो हमारा बायोमेट्रिक डेटा ले लिया जाता है और हम इसे बहुत ही खुशी से दे भी देते हैं, हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी है और जो इनोवेशंस हैं उसने प्राइवेसी को बहुत सीमित दायरे में रख दिया है। मतलब अब अपनी प्राइवेसी को सिक्योर करना इतना आसान नहीं रह गया है, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम आज के दौर में हो गया है। ठीक है, और जितना वैल्यू पहले प्राइवेसी को दिया जाता था आज उतना दिया भी नहीं जाता। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात बताता हूं। आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं और उस ऐप पर एक नोटिफिकेशन आती है आपके सामने, डू यू एक्सेप्ट All the terms and conditions of particular app, और आप उस ऐप की terms and conditions को बिना पढ़े ही accept वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद जो भी डेटा आपके मोबाइल में होता है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसा क्लेम करते हैं कि वो उस डेटा को शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत आम बात होती है कि हम अपना डेटा किसी भी साइट को या किसी भी एप्लीकेशन के साथ शेयर कर दें। ठीक है, अब आप आगे देखिए कि सोशल एक्सपेरिमेंट भी ये शो करते हैं कि लोगों को अगर थोड़ा सा मॉनेटरी एडवांटेज हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को अपना जो डेटा है वो शेयर करने में दिक्कत नहीं होती। अभी एक न्यूज आई थी लगभग 2 हफ्ते पहले, उसमें एक सोशल सर्वे किया गया था जिसमें बताया गया था कि 70% जो इंडियन लोग हैं वो फ्री वाईफाई के लिए अपना प्राइवेट डाटा शेयर करने को तैयार हो जाते हैं।
फ्री वाईफाई की हम बात करते हैं, या कई बार ऐसे एप्लीकेशंस आपके सामने आते हैं, एक व्यक्ति आता है कहता है सर आप ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए इससे, और आप जिसे आप मान लीजिए आप किसी एक डोमिनोज में या फिर पिज्जा हट में आप कहीं पर बैठे हुए हैं, वहां पर आपने खाना खाया है या फिर कुछ आपने नाश्ता किया है, उसका बिल आपके पास है, एक व्यक्ति आता है कहता है सर आप इस एप्लीकेशन को अपलोड करिए और आप अपने बिल के साथ अपनी एक सेल्फी इस एप्लीकेशन पर अपलोड करिए और आपने जो कुछ भी बिल पे किया है इसका 50% अमाउंट आपको पे बैक हो जाएगा और आप इस पैसे का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो छोटा सा मॉनेटरी अमाउंट होता है आप इसके लिए फटाक से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, आप उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपना ईमेल आईडी शेयर कर देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन बात हमारे लिए होती है, हमारे यहाँ मॉनेटरी थोड़े से मॉनेटरी एडवांटेज के लिए हम अपना जो डेटा है वो शेयर कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ हम और भी देखते हैं कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप जो कुछ भी समझ लीजिए कि आपने जैसे आप किसी आर्टिकल को सेलेक्ट करते हैं और आप इसे अपने सेलेक्टेड ड्राफ्ट में डाल देते हैं कि मैं इसे बाद में परचेज करूंगा, ये डेटा उस ऑनलाइन साइट के पास चला जाता है और वो लगातार उसकी नोटिफिकेशन आपको देते रहते हैं और उस तरीके के जब भी आप उस साइट को खोलेंगे तो जिन प्रोडक्ट्स को आपने लाइक किया है वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को बार बार आपके सामने लाएंगे ताकि आप उनको परचेज कर लें। तो इस तरीके से जो डेटा का इस्तेमाल है वो प्राइवेट कंपनीज करती हैं। तो आर्टिकल ये कह रहा है कि हम कई तरीके की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट डोमेन में भी रखते हैं, गवर्नमेंट भी कई तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट डाटा को अपने पास रखती है, लेकिन ये ज्यादा आज प्राइवेट एंटिटीज के थ्रू किया जा रहा है। प्राइवेट एंटिटीज जो हैं, वो हमारे डेटा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके डोमेन में जो इंडिविजुअल्स का डाटा है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी बात इस आर्टिकल में की गई है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ट्रबलिंग क्वेश्चन है जो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने की बात है। जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि वो मानते हैं कि जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये निर्बाध रूप से नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए ताकि जो पब्लिक गुड है इसके साथ ही साथ जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर किया जा सके। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए काफी मुश्किल काम होगा कि वो फंडामेंटल राइट प्राइवेसी को डिक्लेयर कर दें बिना टेक्नोलॉजी के इशू को डिक्लेयर किए, मतलब टेक्नोलॉजी को राइट डिक्लेयर किए बिना अगर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो फिर इसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, बिकॉज हम उसे सिक्योर बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। जो टेक्नोलॉजीज हैं जो एक प्रीडेटर हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का, जो प्राइवेसी हमारी उसके, उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखने की जरूरत है। साथ ही देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो आज हमारे सोशल प्रोसेसेस का हिस्सा बन चुकी है, तो इसको बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से बहुत ही केयरफुली डील करने की जरूरत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, ये है एनोर वेटलैंड से रिलेटेड। पेपर टू से इस टॉपिक को एसोसिएट करेंगे अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड रेमेडीज, साथ ही क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। कंटेक्स्ट यही है कि चेन्नई सिटी में अभी जो एनोर क्रीक पर इंक्रोचमेंट की बात चल रही है इसके बहुत ही ग्रीवियस इंपैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। हम देखते हैं कि जून में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जो एक कामराजार पोर्ट है लिमिटेड है, कामराजार पोर्ट लिमिटेड है तमिलनाडु का, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने सहमति दे दी कि वो 1000 एकड़ का जो हाइड्रोलॉजिकल सेंसिटिव एनोर वेटलैंड का एरिया है वहां पर इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब इसके बहुत ही निगेटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट होने की संभावना है। एनोर क्रीक को पहले आप देखिए, ये एनोर क्रीक है, ठीक है, तमिलनाडु का ये एरिया है जहां पर आप इसको देख सकते हैं। हम आगे देखते हैं कि जो दिसंबर 2015 से ही चेन्नई ने कई तरीके के एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड शॉक को सहा है, जैसे कि फ्लड, मानसून फेल हुआ 2016 में, साथ ही वर्धा साइक्लोन भी वहां पर आया और अभी वाटर क्राइसिस जो अभी चल रहा है। इसके साथ ही साथ अभी अगर एनोर क्रीक में इंक्रोचमेंट किया जाता है तो ये निश्चित तौर पर एक और इकोलॉजिकल निगेटिव इंपैक्ट डालने वाला होगा, जो कि चेन्नई, देखिए वाटर जो है वो चेन्नई का डिफाइनिंग एलिमेंट है और अगर फर्दर इस तरीके से वेटलैंड को इंक्रोच किया जाता है तो बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट उसका वहां पर हमें देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि जो कामजार पोर्ट है इसको ये अथॉरिटी अब मिल गई है, हालांकि भी सेंटर के एसेंट मिलना बाकी है, कि 1000 एकड़ का जो हाइड्रोलॉजिकल सेंसिटिव एनोर वेटलैंड है उसका वहां पर इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। वैसे तो हम देखें कि वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है, वेटलैंड की इंपॉर्टेंस कई तरीके से होती है। गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है, उन्होंने कहा कि ये जो एनोर क्रीक का एरिया है ये ऑलमोस्ट पूरे साल सूखा हुआ रहता है, ड्राई रहता है, तो हम इसे वेटलैंड नहीं कह सकते। जबकि आर्टिकल का ये कहना है कि जब भी साइक्लोनिक वेदर कंडीशन होती है, जबकि सी वाटर अंदर की तरफ एंट्री करता है या फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है
तो ये जो एरिया होता है ये बिल्कुल वेटलैंड वाला हो जाता है, यहाँ पर पानी भर जाता है। साथ ही दो रिवर्स इसके पास आकर मिलती हैं सी में, तो काफी इस तरीके का एरिया है जिसे हम वेटलैंड कह सकते हैं और यहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें इंक्रोचमेंट होता है तो फर्दर बहुत सारी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएंगी। इससे किस तरीके के डिजास्टर्स होने की संभावना है? देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स या ब्यूरोक्रेट्स को लगातार ये बात कही जाती है कि जो एरिया है इस पर इंक्रोचमेंट इलीगल है और डेंजरस है, लेकिन जब गवर्नमेंट एंटिटीज जैसे कि केपीएल एक पब्लिक सेक्टर का पोर्ट है, जब ये ऐसे एरिया में इंक्रोचमेंट करते हैं तो इनके खिलाफ कोई भी बात या कोई भी आवाज नहीं उठाई जाती। जस्टिफिकेशन इस डिसीजन का इस आधार पर किया जाता है कि जो स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने एक नया मैप पब्लिश किया और उन्होंने 6,500 एकड़ का जो क्रीक का एरिया था उसके एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि ये वेटलैंड का एरिया है ही नहीं। देखिए, अगर आप ऐसे स्टेप उठाते हैं तो फ्यूचर में जो डिजास्टर्स होंगे हम उनको निगेट नहीं कर पाएंगे और उन्हें इग्नोर करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। इसका कई तरीके से नुकसान होता है गरीब लोगों पर भी। जब भी देखिए फ्लड वगैरह आता है तो उस एरिया में जो भी गरीब लोग रिसाइड कर रहे होते हैं उनको काफी नुकसान होता है, उनके घर डूब जाते हैं। तो गवर्नमेंट वहां पर कहती है कि ये वेटलैंड का एरिया है और आपको इस एरिया में, ये फ्लड प्लेन है, रिसाइड नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर रिसाइड करते हैं और फर्दर जो नुकसान होता है उससे गवर्नमेंट को भी काफी नुकसान होता है, क्योंकि आपके रिहैबिलिटेशन की दिक्कत गवर्नमेंट को सहनी पड़ती है। लेकिन जब लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज इस एरिया को इनक्रोच करती हैं तब कोई भी आवाज नहीं उठाता। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो वेटलैंड का एरिया है ये वहां के तमिलनाडु के एक्वाफर जो है उसको भी सेफ रखता है। जो सी का वाटर है, जो सलाइन वाटर है, वो जो फ्रेश वाटर है ग्राउंड वाटर, उसको ये जो वेटलैंड का एरिया है वो अलग करके रखता है। सपोज करिए कि यहां पर सी वाटर है और यहां पर ये एक्वाफर है और बीच में जो वेटलैंड का एरिया होता है ये इन दोनों को अलग करके रखता है, जिससे कि ये पानी पीने लायक होता है। और अगर यहां पर इंक्रोचमेंट कर दिया जाएगा और यहां पर फर्दर पानी आकर इकट्ठा नहीं होगा तो ये दोनों लिंक हो जाएंगे और उसके बाद यहां का वाटर सलाइन हो जाएगा और पीने लायक नहीं रह जाएगा। तो ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आर्टिकल हमने यहां पर डिस्कस किया और अब हम चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो इंडो श्रीलंका एकॉर्ड 1987 में साइन किया गया था उससे रिलेटेड है। पेपर टू से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे इंडिया एंड इट्स नेबर्स, साथ ही आप इसको पेपर वन से इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से भी एसोसिएट कर सकते हैं। कंटेक्स्ट यही है कि 30 साल बीत चुके हैं जब प्रेसिडेंट जेआर जयवर्धने जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, साथ ही राजीव गांधी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया था 1987। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अकॉर्ड क्यों साइन किया गया था। देखिए, इस आर्टिकल में पूरी एक स्टोरी है, आप स्टोरी समझ लेंगे पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि जब ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया में तो बहुत सारे तमिलनाडु के जो लेबरर्स थे उनको प्लांटेशन के लिए, तमिलनाडु में टी प्लांटेशन के लिए, रबर प्लांटेशन के लिए तमिलनाडु में लेकर जाया गया था। साथ ही वहां पर बहुत पहले से भी जो तमिलियंस हैं वो रह रहे थे। जब दोनों देश आजाद होते हैं उसके बाद वहां पर तमिलियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जो वहां के सिन्हला कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में थी और तमिलियंस नो डाउट माइनॉरिटी में थे, तो उनके साथ उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जाते हैं, पब्लिक डोमेन में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, पब्लिक गुड्स पर उनकी रीच कम कर दी जाती है। इस तरीके के जो कई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन वहां पर होते हैं, इसका रिजल्ट ये होता है कि 1982 के दौरान बहुत ही सीरियसली वहां पर सिविल वॉर की कंडीशन इमर्ज होना शुरू हो जाती है, जिससे कि जो वहां के तमिल लोग होते हैं वो कई तरीके के तमिल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू कर देते हैं और वहां पर एक एथनिक सिविल वॉर इमर्ज होना शुरू हो जाता है। इस एथनिक सिविल वॉर को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया। इसका कारण यह था कि उस सिविल वॉर को खत्म करने के लिए जो गवर्नमेंट तमिल श्रीलंका की जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन कर रही थी उससे कई सारे जो तमिलियंस थे वो भागकर इंडिया में आ रहे थे और इंडिया में इमिग्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी, ठीक है, उनकी रिहैबिलिटेशन की दिक्कत होने लगी थी। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वो इस मुद्दे पर इंटरवीन करेंगे और उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया जिसके तहत
ये जो एकॉर्ड साइन किया गया था वो जुलाई 1987 में साइन किया गया था, जिसको अभी लगभग 30 साल पूरे हो गए हैं। इस एकॉर्ड को साइन करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इस मुद्दे पर एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, तमिल कम्युनिटीज को थोड़े राइट प्रोवाइड कर दिए जाएं। जो तमिल कम्युनिटीज थी वो वहां पर नदन एरिया में, श्रीलंका का ये जो नदन एरिया है, यहां पर एक अलग तमिल कंट्री बनाने की डिमांड कर रहे थे। तो कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन निकालने की जरूरत थी जिससे तमिल्स के राइट सिक्योर हो जाए और श्रीलंका की जो सॉवरेनिटी है वो भी हर्ट ना। इस अकॉर्ड को साइन करने के मेजर दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि श्रीलंका में जो एथनिक वॉर है उसको खत्म कर दिया जाए, जो भी तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो अपने आर्म छोड़ दें और वो पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम ज्वाइन कर लें। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि उन तमिलियंस को कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए स्ट्रक्चरल एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया जाए और जहां पर तमिल लोग रिसाइड करते हैं उनके रीजन्स में उनको रीजनल ऑटोनॉमी दे दी जाए और पावर का डिवोल्यूशन हो सेंटर और रीजनल प्रोविंसेस के बीच में। ये दो ऑब्जेक्टिव्स उस समय जब ये अकॉर्ड साइन किया गया था 1986 में, तो ये 87 में सॉरी, तो ये बातें उस समय रखी गई थी। अब देखिए आर्टिकल ये कहता है कि लगभग सभी तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स ने इस अकॉर्ड को मान लिया था, जबकि वो इस अकॉर्ड की पार्टी नहीं थे, फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन को सपोर्ट किया और उन्होंने इस एग्रीमेंट को माना, एक्सेप्ट एक ग्रुप जिसका नाम था लिट्टे, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। उन्होंने इस एग्रीमेंट को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके हेड प्रभाकरन थे। प्रभाकरन ने कहा कि वो अकॉर्ड तमिलियंस के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर पाएगा और इस वजह से उन्होंने हथियार नहीं छोड़े और उन्होंने फिर से वॉर शुरू कर दिया। उन्होंने वॉर ना केवल श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ किया बल्कि इंडिया ने जो अपनी पीस कीपिंग फोर्स वहां पर भेजी थी इस एग्रीमेंट को सक्सेसफुली चैनलाइज करने के लिए, उसके खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया। इंडिया जो कि वहां पर गया हुआ था इस वॉर को खत्म करने के लिए, इस सिविल वॉर को खत्म करने के लिए, अल्टीमेटली इस वॉर की एक मेन पार्टी बन जाता है और हमारी पीस कीपिंग फोर्स जो वहां पर पीस मेंटेन करने के लिए गई थी, अब वो वहां के खुद के तमिल लोगों के साथ लड़ाई लड़ रही होती है। पीस कीपिंग फोर्सेस लड़ने के लिए नहीं गई थी तो उनके पास रिसोर्सेस की भी कमी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वॉर है, सिविल वॉर था, ये मई 2009 तक चलता है, जब अल्टीमेटली प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षे जो थे वो प्रभाकरन को मार देते हैं और लिट्टे का सफाया कर दिया जाता है। इसके रिजल्ट के तौर पर हम देखते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद 1991 में तमिलनाडु में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के ऊपर अटैक होता है और उनकी हत्या भी कर दी जाती। तो जब डिफीट होती है LTTE की, लिट्टे की, तो उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन था उसकी रिलेवेंस खत्म हो जाती है। जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात चल रही थी कि तमिलियंस को राइट दिए जाएं और इस सिविल वॉर का एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला जाए, वो तो इरेलेवेंट हो गया क्योंकि उन्होंने पूरे मूवमेंट को ही खत्म कर दिया। बहुत सारा ह्यूमन राइट वायलेशन भी किया गया, उनकी लैंड्स ग्रैब कर ली गई जो अभी तक वापस नहीं की गई है, यूनाइटेड नेशंस में श्रीलंका के खिलाफ इस पर केस भी चल रहा है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का, क्या हुआ। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था कि कॉन्स्टिट्यूशनल में ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, रीजनल ऑटोनॉमी दी जाएगी, उसके लिए वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट लाया गया था 1978 में, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें 1987 में, इस अकॉर्ड के बाद ही नवंबर में, जुलाई में अकॉर्ड साइन हुआ था, नवंबर में 13th अमेंडमेंट लाया गया था और जिसके जरिए वहां पर प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गई थी, 9 प्रोविंसेस बनाई गई थी प्रोविंशियल काउंसिल्स, जिनको पावर्स डिवोल्यूट की जानी थी। हालांकि सभी जो पार्टीज थी, तमिल पार्टीज थी, उन्होंने इस 13th अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया, लेकिन लिट्टे ने इसको अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने बोला था कि ये इनएडिक्वेट है और जो इसमें राइट दिए गए थे वो भी लिट्टे को नहीं दिए गए थे, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव जाने थे प्रोविंशियल काउंसिल्स में वो EPRLF से जाने थे, एलम पीपल्स रिवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट से जाने थे। ये खुद भी एक लेफ्टिस्ट पार्टी थी तमिलियंस की उस समय श्रीलंका में, तो लिट्टे ने इसका विरोध किया। तो आखिर 1987 के बाद इन प्रोविंसेस का हुआ क्या। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद 1987 के बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में
ईपीआरएलएफ एलएम पीपल्स रिवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट ने इलेक्शन लड़ा और जीता, लेकिन कोलंबो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस बात का विरोध करता रहा और वो इन रिवोल्यूशनरी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ईपीआरएलएफ, उसका विरोध करते रहे, जिसके चलते अल्टीमेटली उन्होंने इलेक्शन के प्रोसीजर को छोड़कर वहां से रिजाइन किया और उन्होंने कहा कि अब वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे नदन श्रीलंका के रीजन में जहां पर तमिलियंस रहते हैं, और उसके बाद वो सभी चले आते हैं इंडिया में और उनको इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता है। बाकी जो अदर प्रोविंसेस होती हैं वो जो कोलंबो का डोमिनेंस था उसको एक्सेप्ट कर लेती। तो ये पूरा आर्टिकल में इस अकॉर्ड के बारे में बात की गई है। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द रीजंस फॉर साइनिंग एन अकॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन 1987 एंड हाउ दिस अकॉर्ड इन्फ्लुएंस द रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज लेटर। डिस्कस करना है आपको इस क्वेश्चन को। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में इस इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है जिसमें 14 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं उनके खिलाफ अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आ जाता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं जो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, ये सही है या गलत है। तीसरा, इसमें बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, और काफी हार्श पनिशमेंट का भी प्रोविजन है, ये सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि 18 साल एज कंसीडर की गई है ना कि 14 साल, तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जो सही जवाब है वो है 2 and 3। आंसर नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामर अजार कोर्ट कहां सिचुएटेड है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तमिलनाडु, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, याद रखिए वैसे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार पे का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। टू इनेबल मर्चेंट टू रिसीव डिजिटल पेमेंट यूजिंग आधार, टू इनेबल पीयर टू पीयर मनी ट्रांजेक्शन, टू इंटीग्रेट यूपीआई विद आधार, टू लिंक जनधन अकाउंट विद आधार नंबर। सही जवाब है ए, टू इनेबल मर्चेंट टू रिसीव डिजिटल पेमेंट यूजिंग आधार। तो यहां पर इसका जो आंसर है ये स्लाइड में दिया भी गया है। आज का डिस्कशन यहां पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी इसका न्यूज डिस्कशन अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे भी जरूर देखें।